आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं आज कोंडागांव जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की हड़ताल के 28वें दिन अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय वानकर ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए धरना स्थल पर जाकर समर्थन किया और उनकी मांगों को जायज बताया। उनकी सरकार आई तो सभी को 15,000 से 18,000 रुपए मासिक वेतन व रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की बात कही। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश के लगभग 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर काफी आशान्वित और उत्साहित थे कि कांग्रेस की सरकार आई है तो निश्चित ही हम शान से भी बहनों को जीने लायक वेतन और अन्य प्रासंगिक लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रदेश की पार्टी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। जितनी आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है, चाहे छत्तीसगढ़ की हो या देश की हो, ये पूरे देश के आंगनवाड़ी के वर्कर्स की प्रॉब्लम है। देखिए, दे आर इन नो कैटेगरी, ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ना वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ है। तो जितना लेबर लॉज एंड जो गवर्नमेंट लॉज लागू होता है वो उनको लागू नहीं होता है। इनको केवल मानधन जैसी कोई चीज़ दी जाती है, लेकिन इनको 8 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ता है। 30 दिन में मुझे लगता है कि 24-25 दिन से ज़्यादा काम करते हैं, फिर छुट्टियाँ भी मुझे लगता है नहीं मिलती, और इनको पेंशन का तो इशू है ही है। तो यानी पेंशन नहीं है, आपको पेंशन की भी समस्या है, वेतन की भी समस्या है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉज में जो है, अगर इनको वर्कर्स या वर्कमैन डिक्लेयर किया जाए तो जो मिनिमम वेज है कम से कम वो मिलेगा। अगर मिनिमम वेज भी मिलता है तो इनकी जो डिमांड है कि 15,000 से 18,000 कम से कम वो बैठेगा, वो देखिए, आज 15,000 से 18,000 एक परिवार को अगर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हमारा जो आज पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 191 लाख रुपीज़ है, यानी 191 लाख रुपया है एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम। लेकिन इनका अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो 4-5 हज़ार भी नहीं है, तो ये अपने घर को कैसे चलाएंगे? दूसरी बात, वो कह रहे सही है कि 60 साल के बाद वो पेंशन जैसी कोई चीज़ नहीं, वो क्या करेंगे? अभी आपने बाकी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। मेरा ये कहना है, मैंने डिक्लेयर किया कि मेरी गवर्नमेंट अगर बनती है तो मैं सारे जितने बुज़ुर्ग लोग हैं 60 साल के ऊपर के, उनको जो है, एक फैमिली में एक बुज़ुर्ग को, सारे लोगों को जो है 4 से 5 हज़ार तो मिनिमम पेंशन दूंगा। फिर इनका कैलकुलेशन कितना बैठेगा वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है, वो देखना पड़ेगा। तो इनको 15 से 18 हज़ार मिलना चाहिए वेतन, बिल्कुल सही है। उनको कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ में कम से कम लाया जाना चाहिए, वर्कमैन्स के डेफिनेशन में, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जायज़ है। और उनको पेंशन मिलना चाहिए, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डिमांड है। इसका मैं पूरे तरह समर्थन करता हूँ। केवल बस्तर में यहाँ खड़ा हूँ इसलिए यहाँ नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी के वर्कर्स का समर्थन करता हूँ इस डिमांड को लेके। और पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश के आंगनवाड़ी के वर्कर्स की ये समस्या है, उन तमाम लोगों का मैं समर्थन करता हूँ। और एक बार ज़ोरदार तालियाँ इनके लिए बजाइए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए। मैं श्रीमती मीरा कुर्राम बड़े डोंगर परियोजना से अध्यक्ष हूँ, और फैजगांव ब्लॉक में अभी सभी यानी कि 28वां दिन है, हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं। और अभी तक प्रशासन शासन को अभी तक के उनके जू तक नहीं रेंगा, ना होश तक नहीं आया, ना कान में सुनाई तक नहीं आ रहा है। तो हमारे अभी आदिवासी जो मानकर विजय मानकर जी हैं, जो आए थे हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच में समर्थन देने के लिए, तो हमारी मांग को जायज रखे हैं, रखने के लिए वो पूरा